अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अतरला शारी और हम बात कर रहे हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की। ये बहुत खूबसूरत हमारा इदारा है और बहुत खूबसूरत डिपार्टमेंट है हमारा, जिसमें हमारे बच्चे मुख्तलिफ जो काम है वो कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, पेंटिंग का है, टेक्सटाइल का है, मुख्तलिफ और भी फैशन डिज़ाइनिंग का है। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गुलरुख फातिमा, जो 8th सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं और अब इनका फाइनल थीसिस का डिस्प्ले जो है वो चल रहा है। गुलरुख, कितनी मेहनत हुई, थीम क्या था बुनियादी तौर पर और उसको किस तरीके से आप सामने लेके आई हैं? एक्चुअली ये कि मेरा जो थीम था वो था विजुअल परसेप्शन ऑफ आर्म। बेसिकली ये कि मैंने अपना ये लाइफ फेज था, एक ये कि डिप्रेशन से जब बाहर निकल के जो हमने एक्टिविटीज़ यूज़ की थी हमने, तो वो उसको मैंने रिप्रेजेंट किया था। वो ऐसे किया कि मैंने रेक्टेंगल आर्ट यूज़ किया है, वो एक डूडल फॉर्म होती है, डूडल आर्ट की फॉर्म होती है, फन एलिमेंट उसे रिप्रेजेंट किया है। फिर मैंने कलर इल्यूजन कलर्स की, मैंने ऐसे किया कि हमारे माइंड जो रिफ्रेश होते हैं आफ्टर डिप्रेशन, जो जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट से तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन हमारे जो मेंटर हैं सर गौहर साहब, उन्होंने बहुत हेल्प की। इनफैक्ट वो हमारे साथ, उन्होंने एक एक चीज़ और जो जो बहुत हमें मुश्किल आई थी, लेकिन उनके साथ उन्होंने इनकी मेंटोरिटी के लिए, तो उन्होंने फिर हमें बहुत अच्छे से मैनेज किया हर चीज़, तो फिर हम गुड हो गया। और कुछ एक चीज़ कोई उठा के दिखाएँ, नहीं ये चलेगा, ये कुछ चीज़ उठा के दिखाएँ ताकि हम इनको दिखा सकें। ये जी मुख्तलिफ किस्म का आपको जो आर्ट वर्क है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और ये देखें, ये इसके ऊपर, ये नीचे आपने फैब्रिक यूज़ किया है? जी, फैब्रिक यूज़ किया है और मैंने इन पर बेसिकली एम्ब्रॉयडरी यूज़ किया है। एम्ब्रॉयडरी सिंपल टेक्निक यूज़ किया है, आर्ट थ्रेड के तौर पर, रनिंग स्टिच के तौर पर जिसे कहते हैं, वो मैंने फिर सारी खुद की है। बहुत ज़बरदस्त जी, और हमारे बच्चे ये जो काम कर रहे हैं बहुत खूबसूरत, बहुत जानदार, और हर तरफ आप देखेंगे तो आपको कोई ना कोई थीम, कोई ना कोई कलर्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। और गुलरुख का भी इसी तरीके का था कि इन्होंने अपने जहन के अंदर जो चीज़ें थी अपने टीचर्स की मदद से अब ये की हैं, और अब ये बच्चे प्रोफेशनल लाइफ में जाने के लिए और वहाँ पर जाकर अपना ये जो टैलेंट है वो दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और फिर आगे चलते हैं, वहाँ पर कुछ और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।